सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रोजी छाबड़ा, पीजीटी बायोलॉजी, जीजीएचएस हसनपुर तावड़ू, नू से। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी में चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में आगे पढ़ेंगे। सो एज वी नो, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट्स इन वेरिड फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स टू इनॉर्मस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब to understand diversity better and learn about different kinds of plants and animals, their features, similarities and difference, मतलब and to understand their evolution. तो अब क्या है कि अर्थ में जब हमारे पास लाइफ इतने सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट है, तो हमें अगर उनके फीचर्स को पढ़ना है, उनके बीच की समानताओं को समझना है, डिफरेंसेस को उनके समझना है, और ये जानना है कि वो कैसे अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नेसेसरी हो जाता है कि हम उन्हें ग्रुप्स में बांट दें, राइट? मींस के इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। एंड ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस होता है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स। एट प्रेजेंट हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, विच वॉज प्रपोज बाय आर एच विटेकर। एंड इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर किंगडम्स, एंड दोज 5 मेजर किंगडम्स आर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टर्स, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एंड द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। Then, if it is multicellular, then has the cells cell wall or not? And if the cells have cell wall, do they perform photosynthesis or not? Right? Likewise, अब आज के session में, in today's session, we are going to study about kingdom Animalia further. Animal kingdom again is a very big, वेरी ह्यूज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें लाखों करोड़ों टाइप के एनिमल्स आ रहे हैं। एंड अगेन दे आर वेरी टाइनी लाइक एन एंट टू वेरी ह्यूज लाइक एन एलिफेंट और अ ब्लू व्हेल, राइट? तो जैसे 5 किंगडम्स में क्लासिफिकेशन के लिए कुछ कैरेक्टर्स को लिया गया, वैसे ही एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को फर्दर ग्रुप करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। लाइक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स के बॉडी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा और फर्दर क्या बॉडी में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। देन सिमेट्री, वेदर ऑर्गेनिज्म एसिमेट्रिक है या रेडियल सिमेट्री है ऑर्गेनिज्म में, राइट? या फिर बाईलेटरल सिमेट्री, मीन्स बॉडी सिमेट्री को भी कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हुए। देन ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स हम ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप्स में बांटते हैं, वो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। लाइकवाइज बॉडी कैविटी के प्रेजेंस और या एब्सेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स एसीलोमेट्स हो सकते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स हो सकते हैं या सीलोमेट्स हो सकते हैं। एंड फाइनली नोटोकॉर्ड, इफ नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म देन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉन कॉर्डेट। एंड इफ द ऑर्गेनिज्म पोजेसेस नोटोकॉर्ड देन द ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड अंडर कॉर्डेट्स। सो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस या एब्सेंस पे हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। सो इन सारे कैरेक्टर्स को जब हम कंसिडर करते हैं, तो फर्दर हम किंगडम एनिमेलिया को फाइलम्स में डिवाइड करते हैं, विच रेंज फ्रॉम फाइलम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंस एंड एस्केलेमिंथिस। फाइलम पोरीफेरा, वर्ड पोरीफेरा मेनली रेफर्स टू द पोर बियरर्स और पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा हैव स्मॉल पोर्स ऑन देयर बॉडी, द
उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं। दीज पोर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑस्टिया एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पोर्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज स्पॉन्जेस। इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम एंड डू नॉट मूव। दे आर सिसाइल, मीन्स कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, ये सबस्ट्रेटम से तल से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन्हें सिसाइल भी कहते हैं, मीन्स दे कैन नॉट मूव। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर्स बट फ्यू आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। वट इज द डिफरेंस बिटवीन मरीन वाटर एंड फ्रेश वाटर? मरीन वाटर लाइक इन सी एंड ओशंस वाटर हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एंड फ्रेश वाटर लाइक रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स वेयर वाटर हैज वेरी वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। बॉडी शेप इज वेस्ट लाइक और सिलेंड्रिकल, सम आर एसिमेट्रिकल एंड सम हैव रेडियल सिमेट्री। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस फाइलम आर ईदर एसिमेट्रिकल एंड सम ऑफ देम हैव रेडियल सिमेट्री टू। बॉडी सरफेस एज आई टोल्ड यू अर्लियर देयर बॉडी इज परफोरेटेड बाई न्यूमरस पोर्स। इनकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं एंड दोज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर्स इन टू द सेंट्रल कैविटी। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम के जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, इन छेदों को कहते हैं ऑस्टिया। दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिसाइल, दे कैन नॉट मूव, सो दे नीड अ सिस्टम जिससे कि वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को इजीली पूरा कर सकें। तो दे इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स से वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है इन साइड द कैविटी। दिस सेंट्रल कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसील, और यहाँ से वाटर जो इस स्पॉन्जोसील में एंटर हो गया देन इट फाइनली गोज आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म थ्रू अ बिगर ओपनिंग ऑन द टॉप विच इज नोन एज ऑस्क्यूलम। दिस होल मीन्स ऑस्टिया मीन्स स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम दीज मेक द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कनाल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दिस कनाल सिस्टम वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पोरिफेरा। दिस कनाल सिस्टम इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, मीन्स ये उन्हें फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, और बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनके रिमूवल में भी हेल्प करता है। दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नो डिस्टिंक्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स आर फाउंड, मीन्स कि इनकी बॉडी एज आई टोल्ड यू एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट इन फाइलम पोरिफेरा दे आर जस्ट एग्रीगेट्स ऑफ सेल, नो डिस्टिंक्शन इन टिश्यू और ऑर्गन्स is found. Body wall consists of outer dermal layer which is made up of pinacocytes and inner choanoderm. Inner layer is known as choanoderm which is made up of collar cells or choanocytes. Right? You can see these have a special type of structure. Between these layers is present mesophyll or mesenchyme. These choanocytes help in ingestion of food particles which is followed by intracellular digestion. Look, in sponges, that is in organisms of phylum Porifera, they are not having any digestive tract, right? Because they don't have any digestive tract, these animals digest their food inside their cells. So choanocytes perform this function of ingestion of food particles which is then digested in the food vacuole inside the cell. So in sponges, digestion of food is intracellular. They have internal skeleton which consists of fine flexible spongin fibers, siliceous spicules or calcareous spicules. Mouth is absent and digestion is intracellular. Organisms of phylum Porifera are hermaphrodite, that is sexes are not separate, both sex organs are present in one organism. Reproduction occurs by both sexual and asexual methods. Asexually they reproduce by
बर्ड्स एंड गेम्यूल्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स वाया ओवा एंड स्पर्म। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मीन्स के फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है स्पर्म और ओवम का, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही हो रहा है, दैट इज वाई इट इज इंटरनल। एंड एन इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जायगोट बनता है, देन जायगोट फर्स्टली डेवलप्स इनटू अ फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा व्हिच इज नोन एज एम्फीब्लास्टुला, व्हिच देन मेटामॉर्फोसाइज इनटू एन एडल्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर साइकन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला। Phylum Porifera is further divided into three classes on the basis of spicules. Like we earlier discussed, the internal skeleton, उनका जो internal skeleton है वो या तो spongin fibers का बना होता है या siliceous और calcareous spicules का, तो on those basis they are divided into three classes which are Calcera, Hexactinellida, Demospongia. Phylum Coelenterata. Organisms of this phylum are aquatic and marine. Some live in fresh water like Hydra. They may be sessile, मतलब के वो move नहीं कर सकते, they are attached to the substratum, or may be free floating like jellyfish. They may live solitarily or in colonies, means वो अकेले भी रह सकते हैं, solitary means अकेले, and can be living in colonies, groups में भी वो dwell करते हैं। Some coelenterates like corals have skeletal structures which are made up of calcium carbonate. Organisms have radial symmetry. So यहाँ पे एक difference आ गया phylum Porifera में। Phylum Porifera में organisms were mainly asymmetrical. Some have radial symmetry, but organisms of phylum Coelenterata have radial symmetry. Then they have tissue level of organization in their body, means ke body ke andar now tissues are found. Organisms are diploblastic, means they have two, they are made up of two germ layers, and if you remember those germ layers were outer one ectoderm and inner one endoderm, and they are acoelomates. They lack true body cavity. इनके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी के दे हैव एन ओपनिंग विच इज नोन एज माउथ और हाइपोस्टोम, एंड माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूजुअली कार्निवोरस, मींस अगेन दे हैव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दे फीड ऑन अदर एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट। इन प्रीवियस सेशन, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक टू टाइप्स का है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हैज टू ओपनिंग्स, दैट इज माउथ एंड एनल, देन इट इज कंसिडर्ड कंप्लीट, एंड इफ इट इज इट हैज ओनली वन ओपनिंग देन इट इज कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक की सिर्फ एक ही ओपनिंग है, माउथ या हाइपोस्टोम, जो कि माउथ और एनस दोनों का फंक्शन सर्व कर रहा है, सो दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सेंट्रल कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, राइट, एंड दे हैव टू बॉडी लेयर्स, आउटर वन एपिडर्मिस एंड इनर वन गैस्ट्रोडर्मिस। इन दीज ऑर्गेनिजम्स डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर, मीन्स इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी डाइजेशन प्रोसेस होता है, एंड इंट्रा सेलुलर, सेल्स के अंदर उनका डाइजेशन होता है। तो जैसे अभी हमने बात की कि इनके माउथ के आसपास टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये टेंटिकल्स जो है इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें नीडोब्लास्ट कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज अ नीडोब्लास्ट, और ये नीडोब्लास्ट जो है इनको स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसाइट्स भी कहते हैं, और इन सेल्स के अंदर एक स्पेशल टॉक्सिन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हाइपोटॉक्सिन। प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स गिव देम देयर नेम निडेरिया, मीन ये स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है ये इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और इन्हीं
के नाम से इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, विच इज निडेरिया। दीज नीडोब्लास्ट सेल्स परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली दे हेल्प इन एनकरेज, मीन्स के ऑर्गेनिज्म को एनकरेज में हेल्प करते हैं, चीज़ों को होल्ड अप करने में हेल्प करते हैं, अपने डिफेंस में दे आर हेल्प द ऑर्गेनिज्म, एंड दे हेल्प इन कैप्चरिंग द प्रे। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव कंसिस्टिंग ऑफ डिफ्यूज नर्व नेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एबसेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज दे हैव ओनली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट प्रेजेंट। देन सीलेंट्रेट्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, मतलब कि जो सीलेंट्रेट के ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के बॉडी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो है पॉलिप फॉर्म, पॉलिप फॉर्म जो होता है वो अटैच्ड होता है, मीन्स के वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है, सिसाइल होता है। अगेन यू रिमेम्बर सिसाइल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है एंड असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एग्जाम्पल हाइड्रा एडमिनेशिया। और दूसरी तरफ जो दूसरा बॉडी फॉर्म है वो है मेड्यूसा, जो कि फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है एंड रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। सो ये जो दो बॉडी फॉर्म्स हैं फाइलम सीलेंट्रेटा के वो कौन से हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ओबीलिया है, इनमें एक बहुत अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि वो दोनों ही बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं अपनी लाइफ में। हाउ इन दिस असेक्सुअल पॉलीप्लॉइड सिसाइल जनरेशन, यू रिमेम्बर सिसाइल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, पॉलिप फॉर्म्स थे। दे ऑल्टरनेट विद सेक्सुअल मेड्यूसॉइड, मीन्स के जो पॉलिप फॉर्म है ऑर्गेनिज्म का वो मेड्यूसाइड फॉर्म से ऑल्टरनेट करता है। कैसे के असेक्सुअली जो ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बनाता है मेड्यूसा, ठीक है ना। जो पॉलिप फॉर्म होता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा फॉर्म जो है देन इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, मींस कि उसमें जायगोट फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवा फ्यूज करते हैं, जायगोट फॉर्मेशन होता है। देन अ लार्वा इज फॉर्म विच इज नोन एज प्लेन्यूला लार्वा, एंड दिस प्लेन्यूला लार्वा देन डेवलप्स इनटू पॉलिप फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही लाइफ साइकिल में दोनों बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट है, इसको कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, बट इट इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन को अगर हम डिफाइन करें, व्हेन बोथ द फॉर्म्स आर फाउंड इन द सेम एनिमल एंड द टू फॉर्म्स ऑल्टरनेट इन द लाइफ साइकिल, दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन और मेटाजेनेसिस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा आर ऑरेलिया एडमिनेशिया एंड हाइड्रा। Their unique features are they have tissue level of organization, they have stinging cells known as nidocyte or nidoblasts in their tentacles, digestive tract is incomplete and a simple nervous system in the form of network of nerve cells and fibers is found. Phylum Ctenophora. These organisms are commonly known as sea walnuts or comb jellies. These organisms are marine and they have radial symmetry. These organisms are diploblastic and acoelomates. Ctenophoras develop tissue level of organization but lack organ and organ systems. There are no special structures for respiration. It occurs by diffusion through the body surface. And body bears external rows of ciliated comb plates which help in locomotion. So they have a locomotory organ which are 8 ciliated rows of comb plates, and hence they are called comb jellies. Special adhesive cells called coloblasts are present in the epidermis of tentacles. These are characteristic features of anidariums. These animals are nearly transparent and some are brightly colored. Organisms emit light. This is known as bioluminescence. Organisms of this phylum that they emit light, and this phenomena of emitting light by
living organisms is known as bioluminescence. Digestive tract is complete. So ये एक एडवांसमेंट है फाइलम सीलेंटेटा के ऊपर कि फाइलम सीलेंटेटा तो था वहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं था बट इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट. इट हैज माउथ एंड एन अबोरल सरफेस. इट हैज टू एनस. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी में भी होती है एंड इंट्रा सेल्यूलर मीन्स इनसाइड द सेल. ऑर्गेनिजम्स आर हर्माफ्रोडाइट मीन्स कि सेक्सेस यूनाइटेड है. मेल एंड फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल मतलब के जो स्पर्म और ओवा है उनका फ्यूजन बॉडी से बाहर होता है. एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्लूरोब्रेकिया. देयर यूनिक फीचर्स दे हैव सीलिएटेड ट्रैक्ट्स कॉम प्लेट्स फॉर स्विमिंग स्पेशल एडहेसिव सेल्स द कोलोब्लास्ट फॉर कैप्चरिंग द प्रे एंड टू एनल पोर्स ऑन अबोरल सरफेस. फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स. दिस फाइलम इंक्लूड्स फ्लैट वर्म्स. फ्लैट मतलब चपटा राइट. दे आर मोस्ट प्रिमिटिव बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे एक और चेंज आया कि अब बॉडी सिमेट्री में चेंज आया है कि अभी तक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो रेडियल सिमेट्री थी उनकी बॉडी में बट flatworms have bilateral symmetry. These organisms have soft and dorsoventrally flattened body like a leaf or a ribbon without any segmentation and organisms are triploblastic means ke in organisms ke andar three germ layers milti hain aur wo kaun si hain outer ectoderm middle mesoderm and inner endoderm. So these organisms are triploblastic. ट्रिप्लो मतलब कि फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स ऑनवर्ड्स. अब हम किंगडम एनिमेलिया में जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे उन सब में सारे ही ऑर्गेनिजम्स जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दे हैव डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम. एक और एडवांसमेंट आ गया कि नाउ देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट दे हैव डेफिनेट ऑर्गन सिस्टम बट नो सीलोम मीन्स दे लैक अ ट्रू सीलोम. सो दे आर नोन एज ए सीलोमिट्स. इंटीरियर एंड जो है इनकी बॉडी का उस फॉर्म्स हेड. तो हम ये कह सकते हैं कि सेफाइलाइजेशन जो है वो इस फाइलम में स्टार्ट हो जाती है. सेफाइलाइजेशन मीन्स कि बॉडी जो है उसमें पोलैरिटी आ जाती है हेड एंड टेल की. एंड स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इज फिल्ड विद स्पेशल मेसेनकाइम एंड पैरेन्काइमा. डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट. Though they have organ system of organization, but still these organisms have an incomplete digestive system. Respiration occurs through body surface. Excretory system includes special type of cells which are known as flame cells. As you can see in the diagrams, they have a resemblance to the flame of the candle. So these are known as flame cells and excretory system. Excretory system includes flame cells which are also known as protonephridia which bring about osmoregulation and perform the function of excretion. Osmoregulation means wo body ke andar solutes ka balance bana kar rakhte hain. And presence of these flame cells is a characteristic feature of phylum Platyhelminths. They lack skeletal, respiratory and circulatory system. Nervous system is primitive and it consists of ganglia or three pairs of longitudinal nerve cords connected by transverse nerves. Sexes are united, that is organisms are hermaphrodite. Cross fertilization occurs and fertilization is internal. In some species of organisms, asexual reproduction occurs by transverse fission. Life history often includes larval stages. Flatworms are either free living or ector endo commensals or parasites. Usually parasites is phylum mein kafi paaye jaate hain. Parasitic organisms of this phylum have adhesive organs such as suckers and hooks which help them to get attached to their host.
Regeneration is well marked in certain flatforms such as planaria. Examples of phylum Pratyhelminths are tapeworm and liver fluke. Their unique features: parenchyma filling the space between body wall and the viscera, flame cells for excretion and osmoregulation. Phylum Aesculenthes. Their body form is cylindrical, tapering at both ends without segmentation. Means ki body shape jo hai cylindrical hai aur dono ends pe body jo hai taper karti hai, pointed hai, and they have no segmentation. Their body is circular in cross section. Matlab unko beech mein se kaata jaye to inki body ka jo cross section aata hai wo circular shape ka aata hai, isliye inhe round worms bhi kehte hain. Animals of this phylum are aquatic, terrestrial or parasitic. And these can be parasites in plants and animals. They are usually small, even microscopic, and some reach a meter or more in length. Means ke kuch organisms to bahut hi chote hain, they are microscopic, they cannot seen with the naked eye, and some organisms can reach up to the length of meters, many meters. Roundworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and pseudo coelomate. यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया फाइलम प्लेटीहेलिमेंट्स से कि फाइलम प्लेटीहेलिमेंट्स तक ऑर्गेनिजम्स क्या थे, ए सीलोमेट्स, बट दिस इज द ओनली फाइलम इन विच ऑर्गेनिजम्स आर स्यूडो सीलोमेट्स. डू यू रिमेम्बर वट आर स्यूडो सीलोमेट्स? हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी किया था स्यूडो सीलोमेट्स के बारे में. दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लोकोमेटरी अपेंडिजेस एबसेंट होते हैं, body cavity is present between body wall and digestive tract but is not lined by mesoderm. Therefore they are known as pseudo coelomates. Okay, and the digestive tract is straight one-way tract with the mouth as well as anus. Ab dekhiye yahan pe digestive tract mein mouth bhi hai, anus bhi hai, to ye kis type ka digestive tract ho gaya? Yes, it is complete digestive tract, but intestine is non-muscular, but they have a very well-developed muscular pharynx. Respiratory and circulatory systems are absent. Excretory system includes gland cells or intracellular canals. Okay, like phylum Platyhelminthes excretion ka kaam kaun kar rahe the? Flame cells और प्रोटोनेफ्रीडिया, राइट? इन फाइलम एस्केलेमेंथीज फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन इज डन बाय ग्लैंड सेल्स और इंट्रासेलुलर कनाल्स. नर्वस सिस्टम इज सिंपल एंड कंसिस्ट ऑफ सर्कमसेंट्रिक नर्व रिंग्स विद इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स. जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व रिंग प्रेजेंट है, ओके, नर्व गैंग्लिया जिसमें से इंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स निकलती हैं. Organisms of phylum Aesculenthes are dioecious, that is, sexes are separate. Sexual dimorphism is found in these organisms. Means ki sexes separate hain, male alag hote hain, females alag hoti hain, and unki body ke structure mein bhi, ya aap keh rahe morphology mein thoda sa difference hota hai, jinse hum unhe easily identify kar sakte hain. Ye Aeschines ka diagram hai, to aap dekh sakte hain ki jo males hain वो फीमेल्स से शॉर्ट है लेंथ में, राइट? और मेल्स के जो हाइंड एंड्स हैं वो वेंट्रली कर्व्ड हैं. तो दिस इज एन आइडेंटिफाइंग फीचर इन एस्केरीज. देन फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवा और स्पर्म का, वो बॉडी के अंदर होता है, एंड देयर इज नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स. डेवलपमेंट ऑफ एग इज डायरेक्ट. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम Aesculenthes or roundworms are pinworm, Ascaris and Vicheria. Now quiz time. Question number 1. Flame cells are the excretory structure for phylum Annelida, Coelenterata, Platyhelminths, Echinodermata. Right answer is Platyhelminths. Question number 2. Phylum Porifera is classified on the basis of options: branching, symmetry,
स्पिक्यूल्स रिप्रोडक्शन. करेक्ट आंसर इज स्पिक्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 3, निडेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ऑप्शंस: टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निमेटोब्लास्ट, सिलेंट्रोन, ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 4, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट अनसेगमेंटेड बॉडी विथ स्यूडोसीलोम आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम. ऑप्शंस: एनालिडा, प्लेटीहेलिमेंट्स, एस्केलेमेंथीस, टीनोफोरा. राइट आंसर इज प्लेटीहेलिमेंथीस. क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच फाइलम आर स्यूडोसीलोमेट्स. ऑप्शंस आर प्लेटीहेलिमेंट्स, एस्केलेमेंथीस, मोलस्का, हेमीकॉर्डेटा. राइट आंसर इज एस्केलेमेंथीस. क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन द नेमेटोसाइट्स इज. डू यू रिमेंबर इन विच इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच और फाइलम नेमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट. ओके, सो योर ऑप्शंस हियर आर टॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन, विनोम एंड हेमैटिन. राइट आंसर इज हाइपोटॉक्सिन. एंड नेमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम सीलन ट्रेटा. क्वेश्चन नंबर 7, बायोल्यूमिनेसेंस इज फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ. ऑप्शंस: निडेरियंस, टीनोफोरा, पोरिफेरा, प्लेटीहेलिमेंथीस. राइट आंसर इज टीनोफोरा. लाइक वी स्टडीड दैट ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा आर ट्रांसपेरेंट एंड दे एमिट लाइट. सो दिस फिनोमेना ऑफ एमिटिंग लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोल्यूमिनेसेंस. सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम टीनोफोरा. सो टुडेज सेशन एंड्स हियर. थैंक यू.